दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, मेरा मुंह सूजा लग रहा है। तो बच्चे रेडी हो चुके हैं। आज बेबो भी जा रही है, जेब में डालना है चश्मा। आज बेबो भी जा रही है, आज इसका 10th में वैसे स्कूल जाने का लास्ट दिन है। मतलब आज इनकी फोटोग्राफी है स्कूल में, तो इसलिए बुला रखा है, इन सारे बच्चों को बुला रखा है। इनकी ग्रुप फोटो खींची जाएगी ना स्कूल में। बच्चे चले गए हैं मेरे से पहले, मैं अंदर कुछ ढूंढ रही थी, मेरे से पहले चले गए हैं। लाओ बैग मुझे दे दो बच्चा, बैग मुझे दे दो। फिर भागने लग गया आज। आज बेबो बहुत दिनों बाद स्कूल जा रही है, फिर उसके बाद से तो इसके पेपर शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, फिर नहीं जाएगी बाद में। मैं हाथों में लोशन लगाना भूल गई। जा फिर लगा के आ बैग मुझे। बस आ गई तो भागना पड़ेगा। छी छोड़ो, जाना लगा ले, बैग मुझे दे दिला। जा तू फटे फटे जा, तू लगा के आ जल्दी से, भाग के लगा के आ। हाथों में लोशन लगाना भूल गई गेरी है। लाडो कितना भाग के जा रही है। हाँ अब जा बेल्ट लेने जा पगली। तो क्यों देख रहा है, तो क्यों कह रही है फिर, ले बैग ले ले। लाडो आज टोपी क्यों नहीं बनी आपने? खाना मुंह में अटका रखा है वो, तो जो होता है इसने टोपी। आज आपने टोपी क्यों नहीं बनी? मुझे अजीब लग रहा है जाना। क्यों सारे बच्चे आएंगे, तेरे को क्यों अजीब लग रहा है? क्या पता नहीं आए, वहाँ से हेरिटेज की बस आ रही है। इधर आना मेरे। गुस्सा क्या कर रही है? आते रही हूँ। नहीं मेरे मम्मी से। दूसरे स्कूल की बस जा रही है। एक्सप्लेन ऐसे करता है रोड में जाके, रोड में जाके एक्सप्लेन कर रही है मुझे। लाडो अच्छे से खड़े हो जाओ बच्चा। क्या है क्या? हाँ तो सुबह सुबह उड़ा के चल भी देंगे, सुबह गाड़ियाँ बिजली नहीं चलती हैं। बस आ गई। आ गई? नहीं आई है झूठा। अगर आई तो आवाज सुनते भाई कर रहा हो तो ये लाओ ना भाई। क्यों लाना है, क्या कर रहे हैं? लो आ गई बस। आ गई बस, बस आ गई इनकी। हाँ। ये देखो, चलो फिर अब। आज तो दोनों बच्चे जा रहे हैं बहुत दिनों बाद। तो दोस्तों, सुबह का 11 बज रखा है और आज फिर से मैंने गेहूं डाले हैं, क्योंकि ऐसा ना, आज मुझे ये आटा पिसाना है गेहूं का, तो इसलिए आज फिर से धूप में डाले। वैसे सूख गए थे बीच में, जब धूप आई थी तब सूख गए थे गेहूं। तो आज मैं सोच रही हूँ आटा पिसा लाऊंगी करके। और यहाँ पे मसूर डाला है, दाल ख़त्म हो रही थी तो ये मैं अपने आप ही दलूंगी इसको। इसमें थोड़ा पत्थर वत्थर छांटना है, तो मैं थोड़ी देर इसके पत्थर छांट लेती हूँ। थोड़ा अगर सूख जाएगा तो फिर सीप लगने का डर नहीं रहता ना, ख़राब नहीं होती है दाल। और आज धूप बहुत अच्छी आई है तो इसलिए मैंने गेहूं और दाल डाल दी। और सामने से कपड़े भी डाल रखे हैं, ये पूरे कल के धुले वाले कपड़े हैं। कल देर में 11:30 में लगभग धोई थी कपड़े, तो सूखे नहीं थे अच्छे से, तो आज डाल दिए हैं। कल तो दिन भर लाइट नहीं थी, आज लाइट है, आज धूप भी अच्छी आई है और लाइट भी है। तो ये गेहूं ढक देती हूँ मैं, नहीं तो क्या है ना, इधर कबूतर यहाँ पर डेरा लगा देते हैं। ढकूँगी नहीं तो इतना पोटी कर देंगे इसमें और सब खा देंगे, पूरा झुंड आ जाता है कबूतरों का। तो अपना मैं आई हूँ खेत में, यहाँ से मैं धनिया तोड़ रही हूँ, क्योंकि अभी अब दिन का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो धनिया पूरा पौधा नहीं निकाल रही हूँ, साइड साइड से पत्तियाँ तोड़ रही हूँ उसकी। खेत में यहाँ जानवर आ जाते हैं तो थोड़ा कूद भी रखा है, तो जो पौधे ना थोड़ा बड़े बड़े हैं उनकी साइड से पत्तियाँ तोड़ रही हूँ। तो दिन का टाइम है, यहाँ पे मेरा खाना तैयार होने लग गया है बच्चों के लिए। इसमें चावल लगा दिए मैंने और इसमें झोली बन रही है। तो चावल में जैसे उबाल आएगा फिर सीटी, मतलब फिर इसमें ऊपर से ढक्कन लगा दूंगी। ये गद्दा मैंने बाहर पे रख दिया था क्योंकि ऐसे धूप आती है ना इस साइड से, तो अब इसको अंदर रखना है क्योंकि धूप चली गई है और मुझे पता ही नहीं चला यहाँ से धूप चली गई है करके, क्योंकि मैं अंदर के काम में ही बिजी थी। वहाँ पे कुत्ता सोया है
इसको आज मैंने सुबह खाना नहीं दिया है, सोच रहा है मेरे लिए खाना लेके आ रही है, अभी दिन में दे दूँगी खाना। मेरे बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से आज भी वो बहुत दिनों बाद स्कूल गई थी। दो बीस में तो पहुंचती ही हो रोजी, आज 2:30 में पहुंच रहे हो, कभी 2:30 कभी 2:25 कभी 2:20 ऐसे आते हैं। मम्मी ये बस में कहना नहीं मान रही थी। हैं? कहना नहीं मान रही थी? अच्छा रुको, और बताए आंटी ने इसका वीडियो भी बना दिया, बना ले तो देखो, पीछे मुड़ रही थी आगे भी देख रही थी। आंटी ने इसको ज्यादा ही मुंह लगा रखा है ना, इसलिए कहना नहीं मान रही होगी। लाडो आपने कहना क्यों नहीं माना मैम दीदी का? हाँ? बताओ क्यों नहीं कहना माना? सच्ची तू सच्ची बतावा, वो दीदी का कहना नहीं माना? दीदी का नहीं, आंटी का। आंटी का? आंटी कौन है? आंटी, आंटी। तो आंटी को दीदी तो बोलते हैं सारे लोग। तो हम लोग खाना खा के बैठ गए हैं दिन का, मेरी लाडो मेरा बच्चा, और बेबो सो गई है स्कूल से आके, बताने उसको थकान जैसी हो रही है, सो गई है। अभी उसको 3:30 में उठाऊंगी क्योंकि उसका 4 बजे से ट्यूशन है और मेरी लाडो का 3:30 से ट्यूशन है, और अभी 3 बज रहा है। बच्चा मेरे बाबू का कल बोधे है ना, बोधे गिफ्ट का, गिफ्ट कहाँ है गिफ्ट? बच्चा तो दोस्तों शाम का समय है और यहाँ पे जो ये आटा देख रहे हो आप, इसको मैं अभी थोड़ी देर पहले पिसा के लाई हूँ। थोड़ा गर्म जैसा भी लग रहा है, बहुत गर्म तो नहीं है क्योंकि ठंडा हो गया है ना, 1-2 घंटे पहले पिसा के पिसा दिया था इसको, अभी ला रही हूँ। तो ये वही गेहूँ थे जो मैं कितने दिन से सुखा रही थी ना, तो उसी का आटा है ये। तो एक बारी मैं इसको ना इसमें खाली कर देती हूँ। आप उठोगे बाबा उधर से? क्यों बैठ गए वहाँ पर? यहाँ पे अगर थोड़ा भी आटा गिरेगा तो उठाने के लिए सही होगा, तो मैं किचन से इसको इधर उठा के ले आई हूँ। चलो आप उठो। ये ना मेरा 15 kg का है, और मतलब और जो आटा है 17 kg 600 ग्राम हो रहा था, तो ये इसलिए कूट रही हूँ, ऐसे ऐसे दबा दबा की है कि कम से कम इसमें 15 किलो तो आ ही जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ऐसे बना रही हूँ, इससे कूट कूट के डाल रही हूँ ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आटा मैं इसमें स्टोर कर पाऊँ। और ये वाली घर में रखें, खाने की हो रही है। यहाँ पे ना लाडो अपनी स्कूल के लिए टॉफियों का वो करने लगी है। 3-4 पैकेट टॉफियाँ लाए हैं हम, ये तो 100 रुपये का, 105 रुपये का पैकेट है, बाकी जो 3 पैकेट है लाओ दिखाओ वाली टॉफियाँ दिखाओ। मुझे एक बात बता, तेरी कम भी पड़ गई तो किसको पता चल रहा है, चुपचाप से क्लास में आ जाए। इसमें ये 50-50 रुपये की है, तो 50 टॉफियाँ इसमें होंगी, 50 टॉफियाँ इसमें होंगी, 50 इसमें होंगी, तो मैं इससे कह रही हूँ एक पैकेट बस में दे देना और ये 2 पैकेट क्लास में देना, क्योंकि क्लास में ये इसमें अगर ये 2-2 टॉफियाँ भी देती है तो फिर भी 100 टॉफियाँ होंगी इन 2 पैकेटों में, क्योंकि 1 रुपये की एक भी होगी तो 50 रुपये का पैकेट है ना ये, तो क्लास में 2-2 पैकेट 2-2 भी बांटेगी तो भी चल जाएगा, 1-1 बांटेगी तो भी चल जाएगा। है नहीं देखना मुझे? हाँ क्या ये वाला ले जाना आपको? इसमें 2 फ्लेवर की टॉफियाँ है ना, इसलिए कह रही हूँ मैं, अलग अलग फ्लेवर है ना इसलिए। अरे तो क्या वो फिर? वो कच्चा मैंगो है, वो एक रियल मैंगो है फिर। अरे वो कच्चा वाला आपको जो ले जाना है ले जाओ, सारे नहीं दे सकती, 1 पैकेट घर में भी चाहिए, 4 पैकेट स्कूल ले जाओगी तो घर में क्या दूंगी मैं कल शाम को बच्चों को? किट्टू का बर्थडे था ना कल, तो कल क्या हुआ, इसने अपने अपने बैग में सारी टॉफियां वगैरह रख ली थी,
तो अब अचानक अभी मैसेज आया स्कूल से कि कल छुट्टी है, क्योंकि ये हल्द्वानी उधर कोतवाली साइड को थाने में उधर दंगाइयों ने कुछ वो कर रखा है, कर्फ्यू वगैरह लगाया उधर, तो शायद गाड़ियाँ नहीं चलने दे रहे हैं। तो इस वजह से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हल्द्वानी के अंदर जितने भी स्कूल आते हैं, जितने भी स्कूल हैं, सब बंद करवा रखे हैं। इस वजह से अब कल मतलब छुट्टी है स्कूल की, तो ये रोने लग गई है। मैंने ओ गजरिया की जगह ओ गाड़ियाँ ले लिया। अब रो मत वीर, परसों तो हुआ ही बर्थडे, इसने अपनी तैयारी कर ली थी, मतलब स्कूल के लिए टॉफियाँ सारी बैग में रख ली थी। ओ एक इतनी खुशी हो रही थी इसको कब से, बेचारी अब कल छुट्टी है। कोई नहीं बाबा, परसों सैटरडे को ले जाएगा, ठीक है? कुछ नहीं होता बेटा, कुछ ही नहीं होता। पूरी तैयारी कर ली थी इसने स्कूल के लिए, मेरा मेरा बच्चा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें इसमें हमारी क्या गलती है, स्कूल में स्कूल वालों की भी क्या गलती है बताओ। देखो ये रोने लगी यार, क्या करूँ, इस लड़की का आंसू निकाल दिए इसने। अब वो स्कूल वालों की क्या गलती है जब आदेश आ रखा है डिस्ट्रिक्ट से, तो वही तो हर बात में रोना हुआ इसको। ये देखो भाई ड्रामे, देखो ड्रामे। चलो हो गया लाडो, ज्यादा नहीं रो। तो दोस्तों रात का बज चुका है 10 और यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े फोल्ड करके रखे हैं। अभी ये कपड़े फोल्ड कर रही थी, यहाँ पे हैं ये इतने सारे, और यहाँ पे इस साइड को मेरी लाडो बैठी है, इस साइड को मेरी बड़ी लाडो बैठी है। तो अब आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। अभी अभी मैं हल्द्वानी वाला न्यूज़ पढ़ रही थी, कर्फ्यू लगा हुआ है हल्द्वानी में करके। हम लोग तो हल्द्वानी से काफ़ी दूर हैं, हल्द्वानी से हमारा 12-13 किलोमीटर अंदर को पड़ता है, तो हमारे लिए तो खैर इतना डर नहीं है इधर को, लेकिन हल्द्वानी में डर है शायद, बहुत ज़्यादा भयंकर ही हो रहा है वहाँ के। अभी मैं बहुत सारे न्यूज़ देख रही थी तो डर लग रही है वो सब देख के, वहाँ कितना कैसे कैसे खून खराबे हो रखे, कितने लोग घायल हो रखे हैं वहाँ। तो आप लोग हल्द्वानी वाले जो न्यूज आते हैं उसमें देख लेना। तो अब आज का ब्लॉग मैं समाप्त करती हूँ और आप लोगों से मिलूंगी कल के ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।